कठिन नींद। कुछ दिन पहले मैं और मेरी सहेली योको हमारी एक और सहेली के घर रात को सोने के लिए गई। मैं उस लड़की को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती थी, उसका नाम एमी था और वो योको की ज्यादा अच्छी दोस्त थी। बचपन में योको और एमी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एमी मुझे बहुत ही अजीब सी लड़की लगी। वो ज्यादातर चुप ही रहती थी और कभी कभी भी एक या दो शब्द बोलती थी। उस रात को एमी के मम्मी डैडी बाहर गए हुए थे। हम सब ने अपने अपने नाइट सूट पहन लिए और पलंग पर बैठकर भूतों की कहानियां सुनाने लगे। हम नई कहानियां नहीं जानते थे और जो हमको आती थी वो ज्यादा रुचिकर कहानियां नहीं थी। तभी अचानक एमी ने कहा, मुझे एक वेबसाइट के बारे में मालूम है। उसने तुरंत ही अपना लैपटॉप खोल लिया और एक वेबसाइट खोल ली। हम दोनों उसके दाएं बाएं बैठ गए। उस वेबसाइट में दुनिया भर की डरावनी कहानियां थी, उसमें जापान की भी कहानियां थी। योको ने एमी को एक कहानी पर रुकने को कहा। वो उस कहानी को पढ़ना चाहती थी पर एमी ने कहा, तुम ये कहानी नहीं पढ़ सकती हो क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, ये वेबसाइट तो पूरी की पूरी ही डरावनी है। योको ने एमी से पूछा, क्या इस वेबसाइट पर बच्चों को अनुमति है? एमी ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है। कुछ कहानियां और खेल तो बहुत ही डरावने हैं, जैसे कि ये कहानी जो तुम पढ़ना चाहती हो। एमी ने एक कहानी के लिंक पर क्लिक कर दिया। तभी एक लंबे कालो बाले वाली औरत का चित्र दिखा। वो खतरनाक सी दिख रही थी। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उस कहानी के ऊपर लिखा था, जिसने ये कहानी लिखी है वो इंसान नहीं है। एमी ने कहा, तुम तो ये कहानी नहीं सुनना चाहोगी? योको ने कहा, नहीं सुननी है ये कहानी। मैंने कहा, छोड़ो इन कहानियों को, चलो सो जाते हैं। मुझे उस वेबसाइट के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि उनको इतनी सारी डरावनी कहानियां कहाँ से मिली होंगी? वो लोग ऐसी कहानियां क्यों इकट्ठा कर रहे थे? किसने बनाई होगी ऐसी वेबसाइट? कुछ तो ठीक नहीं था उस वेबसाइट पर। एमी ने हमारी बात नहीं सुनी और उसने कहानी का वीडियो चालू कर दिया। कहानी शुरू हुई। बहुत ही डरावनी आवाज थी सुनाने वाले की। मैं तो भयभीत हो गई। मैंने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कमरे से बाहर चली गई। योको भी मेरे पीछे आ गई। कहानी समाप्त ना होने तक हम दोनों बाथरूम में ही खड़ी रही। मुझे नहीं मालूम कि वो कहानी किस बारे में थी, लेकिन थी वो बहुत ही छोटी सी कहानी। मुझे तो वो कहानी नहीं, एक कविता सी लग रही थी। जब हम अंदर कमरे में वापस आए, हमने देखा कि एमी के चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसने कहा, देखो मैंने पूरी कहानी सुन ली और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर के बाद हम लोग सोने लगे। एमी अपने पलंग पर सो गई और मैं और योको एक बड़े से सोफे पर साथ साथ सो गए। सोने से पहले हमने बत्तियां बंद कर दी थी। किसी और के घर में मुझे रात को नींद कमी आती थी। आधी रात के करीब एक अजीब आवाज ने मुझे नींद से जगा दिया। कुछ देर के बाद मुझे आभास हुआ कि वो आवाज एमी की तरफ से आई थी। वो सोते सोते कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी। मैंने तुरंत ही योको को भी जगा दिया। योको ने कहा, सोने से पहले एमी ने वो कहानी नहीं सुननी चाहिए थी। मैं फिर से सोने का प्रयास करने लगी पर एमी तो अब नींद में रो रही थी और सोए सोए ही बातें भी कर रही थी। मैंने योको को उठाया और हम दोनों एमी की आवाज़ों को सुनने लगे। एमी बड़बड़ाई, तुमको कैसे मालूम चला? योको ने कहा, कोई बहुत बुरा सपना देख रही है शायद। अचानक एमी उठकर पलंग के पास खड़ी हो गई। फिर वो एक कठपुतली की तरह झटके ले लेकर चलने लगी। मैं तो उसको देखकर ही भयभीत हो गई। एमी का सर नीचे को झुका हुआ था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे के सामने थे। वो अपने पलंग की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। वो धीमे धीमे रो रही थी। अचानक योको ने डरते डरते जोर से कहा, ये एमी नहीं है। उधर एमी हमारी तरफ मुड़ रही थी। योको की आंखों में आतंक
साफ दिख रहा था, पर वो एमी को देखने जा रही थी। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया था, मेरी एमी को देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने देखा कि चेहरा तो एमी का ही था, पर ध्यान से देखने पर लगा कि वो एमी का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और चेहरा पीला हो गया था। उसका मुंह विकृत दिख रहा था और चेहरे पर एक बहुत ही दुष्ट सी मुस्कान थी। वो एमी नहीं थी। मुझे लगा कि एमी का चेहरा किसी और के चेहरे के साथ मिश्रित हो गया था। कोई एमी सा दिखने की कोशिश कर रहा था शायद। एक आवाज़ आई, पर वो किसी मनुष्य की आवाज़ जैसी नहीं थी। मुझे बताओ कैसे। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं और योको दोनों ही बेहोश हो गई थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, योको मेरे बगल में ही थी, पर हम दोनों बिस्तर पर थे, सोफे पर नहीं। पास में एक नाइट सूट फेंका हुआ था। एमी कहीं भी नहीं थी। हम दोनों जल्दी जल्दी नीचे गई, पर घर खाली था। रात की घटना ने हमको लगभग पागल कर दिया था। मैंने और योको ने अपने अपने बैग उठाए और उस घर से बाहर भाग गए। कुछ देर के बाद हमने मोबाइल फोन पर एमी को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। हम दोपहर तक प्रयास करते रहे, लेकिन उसका फोन हमारे क्षेत्र के बाहर था और सिग्नल नहीं मिला। शाम को हमने एमी के घर के नंबर पर फोन किया तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया और कहा कि उनको भी नहीं मालूम था कि एमी कहाँ थी। योको और मैं और भी भयभीत हो गई। हमने अपने सभी दोस्तों को मैसेज भेजकर पूछा, पर कोई भी नहीं जानता था कि एमी कहाँ थी। ऐसा लगा कि वो हवा में ही विलीन हो गई थी। एमी के मम्मी डैडी ने पुलिस के पास जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। एमी की तलाश शुरू हो गई। ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि एमी घर से भाग गई थी। उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मुझसे और योको से भी पूछताछ की, लेकिन हम उनको कुछ खास नहीं बता सके। हम दोनों जानते थे कि एमी घर से नहीं भागी थी। एक दिन योको मेरे घर आई। हम दोनों मेरे लैपटॉप पर डरावनी वेबसाइट्स को खोलने लगे। हम उस साइट पर भी गए जहां एमी ने वो डरावनी कहानी सुनी थी। योको ने उस कहानी के लिंक पर क्लिक कर दिया। तभी अचानक हमको एक नोटिस दिखा, ये कहानी हटा ली गई है, इस कहानी को खोजने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत ही खतरनाक कहानी है। हमने पूरी वेबसाइट खोज ली, पर वो कहानी नहीं मिली। बस उस दिन से आज तक मैं रातों को सो नहीं पाई हूँ। मेरी नींद बहुत कठिन हो गई है। कोई भी नहीं जानता कि अमित कहाँ गई और वो कहानी क्यों हटा दी गई है। क्या उस कहानी ने एमी को भागने को बाध्य कर दिया था? क्या उस कहानी ने एमी को मरने के लिए प्रेरित किया था? क्या उस कहानी को लिखने वाले ने ही एमी को कहीं बुलाकर गायब कर दिया था? आज भी उसके गायब होने की रिपोर्ट टोकियो के पुलिस स्टेशन में लिखी है और पुलिस उसको अभी भी तलाश रही है। हाँ एक बात और, जब एमी गायब हुई थी तो वो 15 बरस की थी। मैं 16 और योको 18 बरस की थी। हमारी सलाह, अपने बच्चों को ऐसी वेबसाइट से दूर रखिए या ऐसे खेलों से दूर रखिए जो उनको कुछ गलत करने को प्रेरित करते हैं। बहुत से बच्चे हर वर्ष ऐसे ही कई खेलों के कारण अपनी जान दे देते हैं। अपने बच्चों पर नज़र रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।